मॉर्निंग एवरीवन, सतेंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा इंस्पेक्शन। तो जैसे कि हम लोग जॉब बनाते हैं या फिर किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनाते हैं तो वहाँ इंस्पेक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जॉब बनाते हैं तो जॉब भी हम लोग इंस्ट्रक्टर के पास क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन के लिए ले आते हैं कि हमारा जॉब एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि उसका डायमेंशन वो चेक करके आपको बताते हैं कि किस डायमेंशन में त्रुटि है या नहीं, या फिर जॉब पूरा फाइनल हो गया है। तो इसी तरह इंडस्ट्रीज में जब कोई पार्ट्स बनता है, ठीक है, तो उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। अब इसमें देखिए कि कोई भी कंपनी का पार्ट्स जब तक एक्यूरेट नहीं होगा या फिर उसका क्वालिटी सही नहीं होगा तो उसका मार्केटिंग पे वो बहुत असर करता है। अब मान लीजिए कोई पार्ट्स आप लाए, मशीन खराब हो गए, पार्ट्स लाए फिट करने के लिए और वो पार्ट्स उसमें फिट नहीं हो रहा है तो आप उस कंपनी का पार्ट्स दोबारा नहीं खरीदेंगे। इसीलिए इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि इंस्पेक्शन में जो हम जो करेंगे इंस्पेक्शन वो कितना तरह का इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन दो तरह का होता है, पहला फ्लोर इंस्पेक्शन और दूसरा सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। तो अब पहले जानेंगे फ्लोर इंस्पेक्शन के बारे में कि आखिर फ्लोर इंस्पेक्शन होता क्या है। तो इसमें प्रोडक्शन के समय हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है हम लोग वहाँ जा करके प्रोडक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें इससे होता क्या है कि हम एट ए टाइम अगर कोई मशीन में खराबी है जिसके कारण प्रोडक्शन खराब हो रहा है, जो मटेरियल हमारा निकल रहा है वो अगर ख़राब होता है तो हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं। हम अगर किसी मशीन पर कोई त्रुटि आ गया है, अब मान लीजिए किसी पार्ट्स पे हम ड्रिल कर रहे हैं और ड्रिल होल हमारा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम उसी समय ऑपरेटर को बोल करके उसको चेक करेंगे और वो ड्रिल बिट हम लोग चेंज करेंगे। सपोज कटिंग हो रहा है तो कटिंग एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, तिरछा हो रहा है, तो वो सबको एट ए टाइम हम लोग वहाँ सुधार सकते हैं। ये एडवांटेज है फ्लोर इंस्पेक्शन का। इसके बाद है इसको अलग से कोई सेंट्रल रूम में ले जाकर के हम लोग इंस्पेक्शन नहीं कर, उसको एक मशीन के पास ही इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, माने अलग से कहीं ले जाकर के इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया हम लोगों का फ्लोर इंस्पेक्शन का एडवांटेज। अब जैसे दूसरा है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। अब इसमें क्या किया जाता है कि मशीन से जो प्रोडक्शन निकला है अब उसको एक स्पेशल रूम में ले जा करके हम लोग उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन निकलने के बाद उसको हम ले जा रहे हैं, समय वहाँ पर लग रहा है, ले जाने के बाद अब उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ ऑपरेटर के पास, मशीन के पास, फिर अब वो किस कारण से हो रहा है उसका जांच कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को अब हम लोग जो गड़बड़ी है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग का टाइम लग जाता है। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग बड़े पार्ट्स जो होता है उसको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि इंस्पेक्शन के कारण यह कम खर्चीला होता है, क्वालिटी कंट्रोल संभव है, हम लोग क्वालिटी पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें खराब उत्पादन करने वाला जो इकाई है, जो मशीन है, जो पार्ट्स है उसका हम लोग को पता चलता है। तो ये सब हम लोग का एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड
इंस्पेक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और दो तीन इंस्पेक्शन है जो कि हम लोग इंडस्ट्री में हम लोग का होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, वर्किंग इंस्पेक्शन, सिंपलिंग इंस्पेक्शन और परसेंटेज इंस्पेक्शन। तो ये सब देखिए कि आप वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आप जो वर्क है, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं मशीन से, वो सही मायने पे आप उसको चला रहे हैं कि नहीं। अब मान लिया कोई ड्रिल मशीन से आपको ड्रिल होल करने के लिए बोला गया है, तो आप सही फीड दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब फीड आप सही दे रहे हैं, लेकिन उसका मशीन का जो स्पीड है, जितना आरपीएम पे वो चलना चाहिए, वो आप ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर चेक किया जाता है, ताकि हमारा जो है कि जो प्रोडक्शन है, जो हम लोग का पार्ट्स बन के तैयार होता है या जॉब बन के तैयार होता है, वो सही रहे, जिससे हमारा जो कंपनी है उसका क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे और कहीं पर भी उपभोक्ता को दिक्कत ना आए। तो इसी सब के लिए हम लोग जो क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी है, या तो फिर प्रैक्टिकल रूम में हो या फिर इंडस्ट्रीज में। तो हर एक जगह में इंस्पेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इंस्पेक्शन हर एक चीज़ में ज़रूरी होता है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब में ही हो, पार्ट्स में ही हो, हर एक चीज़ में। आप ब्रांडेड चीज़ को ही देख लीजिए, उसमें हर एक चीज़ जो होता है वो सलीके से किया जाता है। आप कपड़ा ही देख लीजिए, वो उसमें देखिएगा एक भी सूता इधर उधर नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्वालिटी मेंटेन किया जाता है, वो इंस्पेक्शन के थ्रू ही संभव है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।